हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड। तो मैं हूं निखिल। तो मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है, फिर से मैं करता हूं। तो अगर आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीखना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और काफ़ी अच्छे से मैं सिखाऊंगा। इसमें ज़्यादा पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना है, बस मैं एक चीप पेंसिल बोले तो चारकोल पेंसिल और मैकेनिकल पेंसिल और 2B पेंसिल वो कट करके इरेजर, यही हमारा टूल रहेगा। और मैं कॉटन बट को भी यूज़ करूँगा, मतलब कॉटन को यूज़ करूँगा। तो वो भी देख सकते हो, इजीली आपको 5 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में ये मैकेनिकल पेंसिल जो मेरे पास ब्लू वाला है, और आर्ट लाइन का पेंसिल 10 रुपये का। ये तो ऑनलाइन ही आपको परचेस करना पड़ेगा, ये जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कट करके इरेजर भी यूज़ करूँगा, देख सकते हो एक छोटा साइज एक बड़ा साइज का मैं कर दूँगा। ये सब को यूज़ करूँगा और काफ़ी मतलब अच्छा यार हो जाता है हाईलाइटिंग इससे। अप्सरा का है ये इरेजर, तो आप कट कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी देख सकते हो मैं 2B पेंसिल ले लिया, तो उससे मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। उसके लिए मैं कोई मतलब जैसे कि मैं मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैं कोई मेथड यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि हो गया आउटलाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसमें सेड करके एक सॉकेट मतलब जैसे आइस का हो गया नोज़ का हो गया, तो सॉकेट ड्रॉ करूँगा, रफली मेजरमेंट करूँगा, जिसमें कोई नहीं है मतलब अपने पूरा फ्रीली सेड कर करके ही ड्रॉ करूँगा और वैल्यूज़ को लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत मेजर किया, इसलिए मैंने इसको मेजरमेंट किया ताकि मेरा जो ड्राइंग है पोर्ट्रेट है वो पेपर के बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। नहीं तो बहुत सारे मतलब ड्राइंग करते वक्त ये हो जाता है कि पेपर के बाहर ड्राइंग चला जाता है, तो इसलिए मैंने इसको मेजर कर लिया है। थोड़ा बहुत मेजर तो लेना ही चाहिए हर एक ड्राइंग में। और इसमें मैं परफेक्शन देख सकते हो, बिना आउटलाइन के मैंने सॉकेट ड्रॉ करके बस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आइस का सॉकेट है और नोज़ का सॉकेट हो गया, वहीं से मैं इजिली मतलब धीरे धीरे मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ। अगर बात करें आउटलाइन मेथड, फिर उसके बाद शेडिंग मेथड जो मतलब स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, इससे कंपेयर करें तो इसके कंपेरिजन वो मेरी साइज से मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्या बोले इसको, थोड़ा बद के चलना पड़ता है उसमें, बहुत बद के चलना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा मतलब बोले तो मज़ा नहीं आता उसमें। और ये जो मेथड है यार, इसमें बहुत मज़ा आता है, इसमें मतलब पूरा हमें फ्रीडम मिलता है चाहे जो करो उसमें। तो इसलिए मैं कंपेयर करूँ तो ये मेथड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो ये मेथड जरूरी है। और जहाँ पे मेरे को डार्क दिख रहा है सॉकेट में, वहाँ पे डार्क कर रहा हूँ आईब्रोज को, अभी देख सकते हो मैं आईज को, उसको भी मैं वही 2B पेंसिल यूज़ करके लाने का मतलब आईज को ड्रॉ करने का आउटलाइन उसका डार्कनेस को मैं ऑप्ट करके आईज को ला रहा हूँ धीरे धीरे। क्योंकि सबसे पहले मैं आर्टिस्टिक मेथड में जो होता है, सबसे पहले सॉकेट क्रिएट किया जाता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है कहाँ पे मेरा नोज़ होगा कहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे छोटा बड़ा होगा, तो अभी देख सकते हो थोड़ा भी मेरा फेस वो नहीं लग रहा है, तो इसको मैं लास्ट तक एकदम अच्छे से मैच कराने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे मानो तो यार एक बार ट्राई ज़रूर करना है मेथड, काफ़ी मज़ेदार होता है। तो मुझे एक बार में तो मैं इसको ट्राई तो किया नहीं था, एक बार में तो मुझे आया नहीं, 2-3 बार मैंने इसको ट्राई किया, इसलिए मेरे को ये थोड़ा बहुत आ गया है। तो मैंने पूरा टोटली 2-3 बार मैंने इसका प्रैक्टिस किया, इस वजह से मुझे ये मेथड आ गया। तो अभी जैसे कि देख सकते हो मेरा अभी कुछ है नहीं, नोज़ का जो देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था, उसको मैं ऊपर किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फेस जो है इसमें थोड़ा भी ये फेस से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें यार बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी डिफ़िकल्टी आ गया, आने वाला है, चैलेंजेस आने वाले हैं। तो अभी देखेंगे, और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ डार्कनेस को डार्क करना, मतलब वैल्यूज को लाने की कोशिश करूँगा अभी मैं। और ये ध्यान देना यार ये मेथड में कि आपका प्रपोर्शन जो थोड़ा अलग नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मैच करा ही देना ताकि आपको दिक्कत ना हो, फेस लगे या फिर कुछ भी ड्रॉ हो जाएगा, ये सब मत करना। इसको प्रपोर्शन को ध्यान देना जरूर अगर ड्रॉ करते हो तो, बिगिनर हो तो यार प्रैक्टिस करना, आप आउटलाइन का एकदम ज़्यादा बिगिनर हो तो प्रैक्टिस आपको पहले शुरू आउटलाइन में करना है। तो मेथड में आ सकते हो, अगर चाहो तो ट्राई करो, हर एक मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन अगर मेरी मानो तो लाइन प्रैक्टिस फिर उसके बाद थोड़ा आउटलाइन प्रैक्टिस ये सब जरूरी होता है, तो इससे ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे डार्कनेस को ऑप्ट करते हुए चल रहा हूँ, अब मैं जिसमें डार्कनेस जो है अभी जो जो वैल्यूज हैं उसको फर्दर मैं अभी डार्क करूँगा, तो डार्क करते करते ही चलूँगा मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैं मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो मेरे वैल्यूज़ हैं उनको सही कर सकता हूँ। तो मेरा आइस जो था थोड़ा स्ट्रेट था, तो उसको अप डाउन करना था, तो इस हिसाब से इसमें चलना रहता है जो जो वैल्यूज़ है अगर आपको मैच कराना है। और वैसे तो मैच नहीं कराना जैसे कि थोड़ा बहुत लगे कि हाँ फेस है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे को थोड़ा बहुत मैच कराना था इसलिए मैं मेज़र करते हुए ही चल रहा हूँ। तो यही कारण है कि थोड़ा बहुत अगर फेस आर्टिस्टिक मेथड में आपको मिलाना है मतलब मैच कराना है तो उसमें ज़रूरी है
आपको मेजरमेंट करना, तो भी यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने भी वैल्यूज हैं, मतलब जो भी इधर उधर हो रहे हैं उनको सही करने का मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ। इसमें समझ लीजिए ऐसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस टाइप का मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी मानो तो यार एक बार इसे जरूर ट्राई करना है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और हेयर्स पे मेरे ख्याल से इतना ध्यान नहीं देना है आपको, आपका कॉन्ट्रास्ट जो होता है कॉन्ट्रास्ट पे ध्यान देना है, लाइट और डार्क, बस दो टोन और एक मिड देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन जो मेनली रहता है जैसे कि लाइट डार्क मिड, ये तीनों टोन जो रहते हैं इनको ही ऑप्ट किया जाता है। और ज़्यादा अगर आप ट्राई करोगे जैसे कि अभी वो करने के लिए, तो अभी देख सकते हो मेरा फेस इतना खास दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी इसका टोन जो है मतलब सेम सेम हो गया है। तो हर एक जगह का मैं ना आईज डार्क किया हूँ, ना मैं आईब्रो डार्क किया हूँ, और ना ही मैं हेयर्स को डार्क किया हूँ। बस इनके मतलब जो मेरे प्रपोर्शंस हैं उनको बस मैं समझ रहा हूँ इसमें, तो इस वजह से अभी मेरा ड्राइंग इतना खास नहीं दिख रहा है। तो अभी जैसे जैसे मैं स्टेप में आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे इसका मतलब प्रपोर्शन सही करते हुए ही चलूंगा। तो अभी देख सकते हो अभी मेरे को प्रपोर्शन इधर पे सही करना है, तो इसलिए मैं इरेज करते हुए चलूंगा। जो अपना कट करके इरेजर है उसको यूज़ करते हुए, जो मैंने आपको दिखाया शुरू में उसको यूज़ करके मैं हाईलाइट और लेट देते हुए चलूंगा ताकि हमारा जो मेजरमेंट है वो सही हो जाए। तो आपको जो है सही जगह पर अगर मार्किंग कर दी है अपने मतलब स्केच का, तो उससे जो रहेगा मार्किंग मेन चीज़ यही है। मार्किंग के बारे में मैं पहले ही वीडियो में आउटलाइन में बताया था, मार्किंग सबसे मेन है। अगर आप अपने ड्राइंग को मार्क करते हो, अगर आपका ड्राइंग जैसे कि कहीं भी अगर प्रपोर्शन सही नहीं लग रहा है, तो आप उसको इरेज करके सही भी कर सकते हो। जैसे कि हो गया आपका प्रपोर्शन सही नहीं है, तो अभी मैं मार्किंग जो शुरू में मैंने किया था वो सही था, इसलिए थोड़ा बहुत मैच कर दिया मेरा फेस। अगर मैं मार्किंग सही नहीं किया होता तो मेरा दिक्कत हो जाता फेस में। तो यही मेन चीज़ है, मार्किंग जरूर कीजिए एकदम सही, मार्क करना जरूरी है और काफ़ी अच्छे से मार्क करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अभी धीरे धीरे मेरा फेसेस जो है वो अभी वैल्यू आने लगा है और काफ़ी अच्छा भी दिखने लगा है। तो अभी मैं जैसे जैसे देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे फेस मतलब लाइट और उभर के आने को आ रहा है। तो इसमें यही करना रहता है, जितना आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। देखिए शेड्स तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि एक लाइट, एक डार्क और एक मिड। तो ये तीनों को ही आपको अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी पीछे भी बताया आपको, ये तीन स्विच को ही अप्लाई करना चाहिए। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, काफ़ी सारे लोग ध्यान से नहीं देखते वीडियो, तो अभी लास्ट तक जरूर देखना यार, काफ़ी कुछ अभी समझने में आएगा आपको। तो अभी देख सकते हो जैसे जैसे मैं डार्क करते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा फेस काफ़ी अच्छे से देख सकते हो अभी क्वालिटी आने लगा है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड भी कर दिया ब्रश को यूज़ करके, तो उसको मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो उसके लिए सॉरी यार। तो अभी देख सकते हो मैंने शेड भी दे रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से, और मैं ब्लेंडिंग के लिए फेस पे जो मैं एकदम अच्छे से किया उसके लिए मैं कॉटन को यूज़ किया हूँ, कापूस जिसे बोलते हैं हम। तो यार बिगिनर्स जो होते हैं उनके मन में हमें अक्सर करके एक सवाल आता है कि यार भाई ये ड्राइंग जो है क्या टूल से कुछ फ़र्क पड़ता है? तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली यार बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन तब पड़ता है जब यार आपका स्किल जो रहता है थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट लेवल का रहेगा तभी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर मेरे से पूछोगे तो, मैं अगर सही से जवाब दूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ड्राइंग टूल से। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट जो मैंने अचीव किया है वाला, तो इसमें कौन सा मैं कोई भी मतलब बोले तो कोई भी एक्सपेंसिव जो मटेरियल होता है वो यूज़ नहीं किया हूँ, ना मैं स्टेडलर का पेंसिल यूज़ किया हूँ, ना मैंने टोम्बो मोनो जीरो इरेजर या फिर कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं यूज़ किया है। कट करके इरेजर और उसके बाद नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश और कॉटन बट को यूज़ करके, कार्ट्रिज का पेपर यूज़ करके जो एकदम चीप 1 रुपये 2 रुपये का आ जाता है उसको यूज़ करके मैंने ड्रॉ कर दिया हूँ। और देख सकते हो आपके सामने ये रिजल्ट है मेरा, तो कैसा लगा वीडियो लास्ट में ज़रूर बताना, और ट्यूटोरियल कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।